हेलो हानी दी, टेल मी व्हाट हैपेंड. हेलो सॉरी, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही. एक्चुअली परिणीति सीरियल में फिलहाल हमें काफी मजेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है. यहाँ पर एपिसोड में हम देख रहे हैं भाई किस तरह से राजीव और पार्वती एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, और ये बात हमारी नीति मैडम को बिल्कुल भी नहीं भा रही है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से कहीं ना कहीं परी और राजीव एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं, और यहाँ पर नीति मैडम दोबारा से कोई नई प्लानिंग के साथ सामने आएंगी, जहाँ पर इस बार दोबारा से वो पार्वती और राजीव को दूर करने की कोशिश करेगी. मुझे तो किसी पार्टी में संजू ने किसको देखा? तेरा ये प्लान कुछ ज्यादा रिस्की नहीं है? फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई मैकेनिक पहुंच चुका है, और मैकेनिक ने एक बड़ी बात कह डाली है. उसने कह दिया कि भाई अब इन दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और सारे वायर जो है एकदम शॉर्ट सर्किट कर चुके हैं, जिसकी वजह से भाई अब इनके हाथों में कुछ नहीं रह गया है. अब इन दोनों को तो सिर्फ आई एम श्योर ये 100% सेफ है. आई नो यू आर गोना बी वेरी वेरी केयरफुल, बट किसी भी पॉइंट पे सलिल और मेरी हेल्प चाहिए हो प्लीज बता देना. भगवान ही बचा सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर अंबिका ने तो ठान लिया है कि वो अपनी बेटी को कैसे भी कर बचा कर रहेगी, इसलिए वो बार बार मैकेनिक से कहती है कि उसे अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए और कुछ तो सलूशन निकालना चाहिए कि कैसे भी कर वो पार्वती और राजीव की जान को बचा सके. ये नीति इतनी तेज लड़की है ना कि इसे लेकर टेंशन नहीं होती. आई यू 100% श्योर की तो हैंडल कर लेगी उसे? आप चिंता मत कीजिए. तो यहाँ पर मैकेनिक ने एक सोल्यूशन दिया है, और उसने बताया है कि भाई अब वो जब पावर ऑफ करेगा तो लिफ्ट जो है वो रुक तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर राजीव और परी के पास सिर्फ 2 मिनट होंगे उनकी जान बचाने के लिए, और ये बात नीति जाकर राजीव को बताती है. लेकिन भाई नीति यहाँ पर टाइम को मैनिपुलेट कर बताती है, और वो कहती है कि उनके आज की रात नीति को उसके सारे पाप याद नहीं दिलाए ना तो मेरा नाम भी पार्वती सिंघानिया ने. 2 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट है, और इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है और लिफ्ट पावर ऑफ होता है, लिफ्ट रुक जाती है, और इसी बीच यहाँ पर राजीव और परी जो है बाहर आने की कोशिश करते हैं. पहले राजीव आता है, और ये देखकर भाई अंबिका काफी शॉक में आती है, और वो कहती है कि सच में राजीव बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो पहले अपनी परी यानी पार्वती को ना निकाल कर खुद बाहर आ रहा है. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले राजीव बाहर आता है, और कैसे भी कर वो अपनी पार्वती यानी अपनी परी को भी बाहर निकाल लेता है, और जैसे ही परी बाहर आती है तो भाई लिव जो है वो जोर से नीचे जा गिरती है. लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई राजीव और परी दोनों की जान बच गई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के दिल का कनेक्शन जो है दोबारा से जुड़ रहा है, और यहाँ पर राजीव को अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई पार्वती ही परी है. और इस एक्सीडेंट के बाद भाई दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही है, तो वहीं आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई नीति जो है उसे बार बार परी की आत्मा दिखाई देगी, और ये बात जानबूझकर ये सारे खेल जो है पार्वती खेल रही है ताकि वो नीति को पागल साबित कर सके. और यहाँ पर नीति जो है वो परी की आत्मा को लॉक कर देती है, और वो निकल पड़ती है ये प्रूफ करने के लिए कि भाई पार्वती ही परी है. तो आने वाले एपिसोड में देखना काफी मजेदार होगा कि क्या इस बार नीति सच में पार्वती को परी प्रूफ कर पाएगी या नहीं.